नमस्कार, स्वागत है आपका सौम्यास किचन कॉर्नर में। आज हम बनाएंगे छेने के रसगुल्ले। छेने के रसगुल्ले बनाने के लिए हमने 2 लीटर दूध लिया है, इसे हमने गर्म कर लिया है और हम इसे फाड़ेंगे विनेगर से। तो 2 चम्मच विनेगर लिया है हमने और उसमें 1/2 कटोरी पानी डाल दिया है और इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे और दूध को फाड़ लेंगे। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा डालना है। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे विनेगर का पानी और दूध को फाड़ लेंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। दूध हमारा फट गया है। छेना बनाने के लिए आप दूध लें तो गाय का दूध लें या फिर डोंट मिल्क लें। दूध में चिकनाई नहीं रहनी चाहिए, तभी हमारा छेना बढ़िया बनता है। दूध हमारा फट गया है, अब हम इसे छान लेंगे। इसे छानने के लिए हमने कॉटन का कपड़ा लिया है और उसे इस तरह से छन्नी के ऊपर फैला दिया है। अब हम इसमें पानी डालकर इसे साफ कर लेंगे। अब हम इसे बांध कर रख देंगे कुछ देर के लिए। निचोड़ देंगे इसे अच्छी तरह से। इस तरह से हमने इसे कर लिया है और अब हम इसके ऊपर कुछ भारी चीज रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। 1/2 घंटा हो गया है और छेना हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे मच लेंगे। इसे हमें 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से मसलना है। हमें इसे इस तरह से यहां से हथेलियों के ऊपर से मसलना है। और अब हम इसमें 2 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। आप इसमें कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं या फिर आरारोट भी मिला सकते हैं। हम यहाँ पे 2 चम्मच मैदा ऐड कर रहे हैं। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे मस लेंगे। लगभग 8 मिनट हो गए हैं हमें छेने को मसलते मसलते और ये बहुत ही अच्छी तरह से मसल लिया हमने। अब हम इसे 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद हम इसकी गोलियां बनाएंगे। रसगुल्ले बनाने के लिए अब हम सिरप बनाएंगे। इसके लिए हमने इस कटोरी से 4 कटोरी चीनी ली है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। इसी कटोरी से 8 कटोरी पानी डालेंगे। हमने 8 कटोरी पानी डाल दिया है। अब हम इसे गर्म करेंगे। अब हम इसे चलाते हुए पकाएंगे ताकि तले पे हमारी चीनी जो है वो चिपके नहीं। इसे चलाते हुए हम पकाएंगे बीच बीच में ताकि चीनी हमें हमारी जो है वो भगोने की तली पर चिपके नहीं। जब तक सिरप हमारा बन रहा है तब तक हम अपने रसगुल्ले बना लेते हैं। इस तरह से दबाते हुए हमें इसे बनाना है। इस तरह से अपने रसगुल्ले तैयार कर लिए हैं बना के और
बाकी के भी हम तैयार कर लेंगे इसी तरह से। और अब हम इन्हें चाशनी में पकाएंगे। चाशनी हमारी उबलने लगी है, अब हम इसमें अपने रसगुल्ले डालेंगे। इसे बंद कर देंगे और हम इसे तेज आंच में ही पकाएंगे। और 10 मिनट अभी हम इन्हें और पकाएंगे इसी तरह से। खोलकर हम इसे चेक कर लेते हैं। रसगुल्ले हमारे फूल रहे हैं बढ़िया। अगर आपको लगे कि चाशनी आपकी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी ऐड कर लीजिए इस तरह से। अब हम इन्हें ढक देंगे। 25 मिनट हो गए हैं, रसगुल्ले हमारे बहुत ही बढ़िया बने हैं। गैस हम बंद कर देंगे और अब हम इन्हें ठंडे पानी में पहले निकालेंगे। अब हम रसगुल्ले अपने निकाल लेंगे। हम इन्हें ठंडे पानी में निकालेंगे। रसगुल्लों को हमने पानी से निकालकर चाशनी में डाल दिया है। रसगुल्ले हमारे बहुत ही स्पंजी बने हैं। रसगुल्ले बनाते समय आप ध्यान रखें कि इसकी आंच जो है वो कम नहीं होनी चाहिए और पकने का जो प्रोसेस है वो रुकना नहीं चाहिए। चाशनी अगर आपकी गाढ़ी होने लगे तो आप उसमें पानी डालें, लेकिन पानी आपका गर्म ही होना चाहिए। गर्म पानी ही डालें आप ताकि रसगुल्लों का पकने का जो प्रोसेस है वो रुके नहीं और रसगुल्ले हमारे बढ़िया और स्पंजी बने। रसगुल्ले हमारे बहुत ही स्पंजी बने हैं, ये देखिए। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।